मेरे एक मित्र ने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है, क्या ये सच है कि जो भले लोग हैं, जो मिलनसार हैं, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, संवेदनशील हैं, वो पीछे रह जाएंगे, और जो मक्कार हैं, धूर्त हैं, फरेबी हैं, वो हमेशा आगे निकल जाएंगे? क्या ऐसा ही होता है? क्या समाज में ऐसा दिखता है? मेरे पुराने जानने वाले हैं, जो अपने समय में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, परोपकारी, दयालु, दूसरों के काम आने वाले, कभी किसी की हॉस्पिटल में मदद कर रहे हैं, कभी किसी के लिए नोट्स ला रहे हैं, कभी किसी की बहन की शादी है तो उसमें लगातार लगे हुए हैं, कभी किसी का टिकट करा रहे हैं, लगातार वो ऐसा करते रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके साथ के सारे विद्यार्थी, सारे लोग आज बहुत आगे निकल गए हैं, और वो आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, बहुत बड़ी उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, अब क्या करें वो। हार कर उन्होंने मिडिल स्कूल की नौकरी ज्वाइन कर ली और वो उसमें टीचर हो गए। वो कहते फिरते थे कि मेरी इस भलाई का, मेरी इस अच्छाई का, मेरी इन सारी अच्छी कोशिशों का क्या सिला मिला। तो क्या वो सही सोच रहे थे? जब विद्यार्थी जीवन में सबका काम पढ़ना था तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो सबकी मदद कर रहे थे, सबके लिए कोशिशें कर रहे थे, सबका ख्याल रख रहे थे, तो ऐसा क्यों कर रहे थे? जहाँ तक मुझे समझ में आता है और मैं उनके जीवन को देखता हूँ, तो उसमें वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाले, सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति। हर जगह, हर महफिल में उनकी पूछ थी, हर जगह उनका नाम लिया जाता था। ऐसे में क्या उन्हें, या अगर हम अपने बारे में ही सोचें तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम नोबडी से संबडी हो गए हैं? लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, तो ये सब हम किसके लिए कर रहे थे? हम अपने लिए ही तो कर रहे थे। और वो लोग जो समाज से अपने को खींचकर पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, वो सोशल नहीं थे, वो लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, वो एक कछुए की तरह अपने को सिकोड़ कर एक कंदरा में बंद हो गए थे और एक लक्ष्य की तरफ मेहनत कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? उनका ये भी कहना था कि जो धूर्त और मक्कार होते हैं, जो चालाक और फरेबी होते हैं, वो आगे चले जाते हैं। तो क्या वो जो कंदराओं में बैठकर, कमरों में बैठकर, लोगों से अपने को काटकर जो पढ़ाई कर रहे थे, वो धूर्त, स्वार्थी और मक्कार लोग थे? तो ऐसे वक्त में जब सभी को पढ़ना था तो उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? वो इतने सोशल क्यों थे? वो इतनी कोशिशें क्यों कर रहे थे? निश्चित रूप से उन्हें इसमें आनंद आ रहा होगा, उन्हें अच्छा लग रहा था, उन्होंने एक पॉलिसी बना ली थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये भलाई के ये अच्छे काम ही उन्हें उस मकाम तक पहुँचाएंगे जहाँ वो जाना चाहते हैं। पर शायद ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी और जब उसमें वो फेल हो गए तो उन्हें लगता है कि ये पॉलिसी सही नहीं थी, उन्होंने लोगों की मदद करके कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने आप से ईमानदारी नहीं बरती, अपना ख्याल नहीं रखा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। और किस लिए? लोगों के लिए। और समाज से उनको क्या मिला? उपेक्षा। तो क्या ये सही नहीं है कि हमारा मूल स्वभाव भलाई की तरफ नहीं था? हम भी किसी लक्ष्य के लिए, हम भी किसी अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे? जैसे कुछ लोग कमरों में बंद होकर पढ़ाई कर रहे थे, वैसे हम समाज में प्रतिष्ठा ढूंढ रहे थे, क्या हम ऐसा नहीं कर रहे थे? और जिन्हें हम बैक बेंचर समझते हैं, जिन्हें हम समझते थे कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं थी, आज वो हमें आगे दिखाई देते हैं तो हमें लगता है कि उफ, बताइए, मेरे जैसा आदमी और आज यहाँ, और उनके जैसा वहाँ, तो क्या मिला मुझे? क्या जो सिद्धांतवादी हैं, जो आदर्शवादी हैं, उनका समाज में यही स्थान है?
पर हम ऐसा सोच क्यों रहे थे, या हम कहें कि वो ऐसा क्यों सोच रहे थे। उनके साथ पढ़ने वाले जो लोग थे, जो फॉरवर्ड, जो आगे की बेंच पर बैठते थे, उसमें से भी सभी लोग आज दुनिया में सफल नहीं होंगे, उसमें से भी कुछ लोग आज पीछे दिखाई देते होंगे। पर हम कोशिश ये करते हैं, हम तुलना उनसे करते हैं जो हमसे पीछे थे। वो आगे निकल गए तो हमारे लिए मुश्किल है, जो हमसे आगे थे वो तो आगे थे ही, हमसे जो पीछे था, जिसको हम पीछे समझते थे, वो हमसे आगे निकल गए। हम बहुत सारे ड्रॉप आउट्स की सफलता की कहानियाँ पढ़ते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि चूंकि वो उतने ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं थे और पीछे बैठा करते थे, उनमें प्रतिभा नहीं थी। प्रतिभा केवल पढ़ाई में तो होती नहीं, लेकिन हम ऐसा सोचते थे। आज हम वो बहाना ढूंढ के उस आदमी को पकड़ के हम अपनी एनालिसिस करते हैं, हम कितने चालाक हैं। ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल हो और वो अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा हो और सफल ना हो, और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सफल भी हो और अच्छा भी हो। पर हम इन दो चीज़ों को मिला लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम भले हैं, हम अच्छे हैं, हम सहिष्णु हैं, हम संवेदनशील हैं, हम लोगों के काम आते हैं, तो इसीलिए हम सफल भी हो जाएंगे। क्या अगर आपको किसी परीक्षा को पास करना है तो वहाँ क्या काम आएगा, पढ़ाई कि अच्छाई? मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे कि पढ़ाई काम आएगी। आपको एथलीट बनना है, आपको किसी गेम में बहुत अच्छा होना है, तो कौन सी, आपका अच्छापन वहाँ काम आएगा कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश? आपको उद्योगपति बनना है, आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो उसकी अपनी शर्तें हैं। आप उन शर्तों पर अगर खरे उतरेंगे तो आप एक सफल उद्योगपति बनेंगे। कि आप इसलिए सफल उद्योगपति बन जाएंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं। मैं जानता हूं कि अगर कोई आपसे ये प्रश्न करे कि एक डॉक्टर है जो बहुत खड़ूस है, बहुत गुस्सा करता है, लोग उसके पास जाने से डरते हैं, पर वो बहुत टैलेंटेड है, डायग्नोसिस उनकी बहुत अच्छी है, और उसके पास अगर मरीज गया तो अगर उसे काल ने नहीं पकड़ा है तो वो ठीक निश्चित रूप से हो जाएगा, और एक डॉक्टर है जो बहुत संवेदनशील है, बहुत मृदुभाषी है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, पर उसमें उतनी प्रतिभा नहीं है मेडिकल साइंस के तहत जैसे उस डॉक्टर में, तो आप किसके पास जाएंगे? आपको अगर अपनी बीमारी ठीक करानी है तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे ना जो भले गुस्सा करता है लेकिन वो आपको ठीक कर देता है। आप उसके पास तो जाएंगे नहीं कि बहुत अच्छा बोलता है इसलिए आप ठीक हो जाएंगे, वो बहुत भला आदमी है इसलिए आपको ठीक कर देगा, क्या ऐसा होता है? मैं एक बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर को जानता हूँ, हालांकि अब वो नहीं है, और वो हमारे शहर के बहुत प्रतिष्ठित, बहुत बड़े डॉक्टर थे, पर हाँ उनके साथ भी ये शिकायत थी कि वो बहुत गुस्सा करते हैं, उनको कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके मन माफिक नहीं होती थी उनको इरिटेट कर देती थी। कई बार वो अपने मरीजों पर भड़क जाया करते थे, लेकिन भीड़ लगी रहती थी उनके पास, लोग बावजूद इसके कि वो बहुत गुस्सा करते थे, लोग उन्हें ही दिखाना चाहते थे। अब एक छोटा सा इंसिडेंट, अब ऐसे समझिए कि एक बार किसी कोई आदमी उनके पास, कोई मरीज उनके पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लीवर में तकलीफ है। बस इतना कहना था कि वो डॉक्टर साहब ने उनकी औकात बता दी। आपको कैसे पता कि लीवर में दर्द है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ लीवर ही होता है, यहाँ पर दर्द है। उन्होंने कहा डॉक्टर आप हैं कि मैं? उन्होंने कहा मैंने क्या गलती कर दी, मुझे क्या कहना चाहिए था? उन्होंने कहा बस आपको ये कहना चाहिए था मुझे यहाँ पर दर्द है, ये मैं तय करूँगा कि वो लीवर में है, कि वो किडनी में है, कि वो पैंक्रियाज में है, कि वो इंटेस्टाइन में है, वो किस जगह दर्द है ये मैं तय करूँगा, ये आप कैसे तय कर देंगे? और अगर आप इतने काबिल हैं तो जाइए अपना इलाज कीजिए, आप मेरे पास क्यों आए हैं? ऐसा उनका दिमाग था, लेकिन लोग उनके प्रतिभा के कायल थे, और जो उनके दरवाजे पर गया, कहा जाता है कि सब वो फिर वहाँ से मुकम्मल ठीक होके लौटा। तो फिर बहुत सारे लोग कहते थे कि वो बहुत अच्छे आदमी नहीं हैं, इस ताइद की वो लोगों पर गुस्सा कर देते हैं, पर उनके हाथ में शिफा थी, वो जिसको छू लेते थे ठीक भी हो जाता था।
तो कई बार कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम मिला लेते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मैं सत्य अहिंसा आस्ते का पालन करूंगा, मुझे आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करनी है, और फिर आप ये भी सोचते हैं कि मैं पैसे भी कमाऊंगा। अब बताइए ये कैसे होगा। सवाल उठता है कि आप ये दोनों चीज़ें सोचते क्यों हैं। नेचुरली हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सत्य बोलो, लोगों की मदद करो, चोरी मत करो, अच्छी वाणी बोलो, ऐसे बहुत सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उस पर हमारा ध्यान दिलाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि तेज बनो, चालाक बनो, अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करो, कामयाब बनो। अब दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत बार रास्ते इधर उधर होते हैं। अब आपको लगता है कि ये करें तो वो छूट जाए, वो करें तो ये छूट जाए। हमारी मुश्किल ये है कि हम एक ही साथ में बुद्ध और महावीर भी बनना चाहते हैं और बिल गेट्स और रॉकफेलर भी, तो ये भला कैसे संभव है। रामकृष्ण परमहंस गंगा के तट पर बैठे हुए, हाथ में कुछ सिक्के लिए हुए, उन्हें बार बार अपने हाथ पर मिट्टी सोना, सोना मिट्टी, सोना मिट्टी, सोना मिट्टी कह के गंगा में फेंक देते थे। बार बार वो ऐसा करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? वो ऐसा शायद इसलिए करते थे कि उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में ऊपर बहुत जाना था, तो उन्होंने सोचा कि सोने का मोह अच्छा नहीं है, धन का मोह अच्छा नहीं है, तो धन को मिट्टी समझना चाहिए। और इस तरह वो अपने माइंड को ट्रेन करते थे कि जो सोना है वो मिट्टी है, और ऐसा करते थे। अब एक दूसरा आदमी है जो मिट्टी को ही सोना कहता है, मिट्टी सोना, मिट्टी सोना। वो बड़ी जायदाद बनाने के चक्कर में पड़ा है, उसने बड़ी सारी प्रॉपर्टी बना रही है, वो उद्योगपति बनना चाहता है और लगातार पैसा 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 कर रहा है। तो एक दिन वो उद्योगपति बन जाता है, एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। अब अगर परमहंस ये सोचें कि भाई मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, तो क्या वो सही सोच रहे हैं? भाई उन्होंने तो मोक्ष के लिए साधना की है, वो तो पैसे को मिट्टी ही कह के बने हैं, तो उनके पैसा कैसे उनके पास आएगा? और वो आदमी जो आज बहुत बड़ा उद्योगपति, वो सोचे कि मैं परमहंस क्यों नहीं हो जाता हूँ, तो भला वो कैसे होगा? उसने तो जीवन भर दौलत पैसा इसी को इम्पोर्टेंस दिया है, तो भला वो परमहंस कैसे हो सकता है? अब यही कंट्रडिक्शन है। हम इन दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश करते हैं, और हमारे डीएनए में ये दोनों चीज़ें हैं, और इसलिए हम मुश्किल में पड़ते हैं। अब चलिए उन महाशय के बारे में बात करते हैं जो बहुत अपने जीवन से निराश होकर मिडिल स्कूल में उन्होंने नौकरी कर ली थी, और जिनका ये कहना था कि मैंने दुनिया की बहुत भलाई की है और उसका सिला मुझे अच्छा नहीं मिला। कुछ सालों बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित था। वो मान्यवर बन चुके थे, वो एक विधानसभा क्षेत्र के MLA थे, उनके पास अब पैसा भी था, उनके पास एक अच्छी गाड़ियाँ भी थी। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, मैंने पूछा कि महाशय ये कैसे संभव हुआ, ये चमत्कार हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा कि बात बस इतनी सी है कि मैं बहुत निराश था, ऐसे में मुझे एक सज्जन से मुलाकात मेरी हुई और उन्होंने मेरे दुख को सुनकर मेरा निरीक्षण किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गलत तरह से कोशिश कर रहे हो, तुम एक सामाजिक आदमी हो, तुम मिलनसार हो, तुम लोगों की मदद करते हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, और तुम अपना करियर एकेडमी में खोज रहे हो, ये कैसे संभव है? तुम्हारी प्रतिभा लोगों के लिए है, लोगों से मिलने जुलने में है, लोगों के लिए काम आने में है, तो तुम्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए जहाँ इसका यूटिलाइजेशन हो, और वो क्या चीज़ है? वो है राजनीति। बस मैंने कोशिश शुरू कर दी। पहले मैं कॉरपोरेटर बना, उसके बाद मैं लोगों से मिलता जुलता तो था ही, और तुम तो जानते ही हो कि मेरी इस मामले में थोड़ी पकड़ थी, लोगों में मेरी पहचान अच्छी थी, और धीरे धीरे करते मैं आज MLA हूँ और पार्टी में भी मेरी पकड़ है। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि भाई मक्कार और धूर्त लोग आगे चले गए, अब मुझे देखकर लोग कहते हैं कि मक्कार और धूर्त आगे चले गए, और ये कहकर वो जोर से हंसे। तो इसका मर्म क्या है? मर्म यह है कि जब हमें दिखता है कि हमसे जो पीछे लोग थे वो आगे चले गए, तो मुझे लगता है कि वो मक्कार और धूर्त थे, और जब हम कभी किसी को आगे दिखते हैं तो उनको लगता है कि ओहो ये मक्कार और धूर्त, इसीलिए आगे बढ़ गए। अच्छा, हमारा मन ऐसा करता क्यों है?
जब हम किसी से अपने को पीछे देखते हैं, जब इस तरह का मूल्यांकन करते हैं, जब इस तरह की तुलना करते हैं, तो हमारा मन बहुत सतर्क हो जाता है, हमारा दिमाग बहुत तेज है, वो हमेशा हमें बचाने की कोशिश करता है। फिर वो तुरंत एक बहाना ढूंढ के लाता है, फिर कोई रीज़न निकालता है, अरे अरे वो जो लोग आगे चले गए हैं ना, वो बहुत धूर्त और पाखंडी थे, इसलिए आगे गए हैं वो, और तुम तो बहुत सज्जन सरल और अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कैसे कैसे घटिया समझौते किए हैं इसलिए वो वहाँ पहुँचे हैं, तुम तो ऐसा कर नहीं सकते थे, तुमने तो अपने मन को पवित्र ही बनाए रखा, कैसे संभव था कि तुम उस रास्ते पर जाते, तुम इतना नहीं गिर सकते हो। और ऐसा सोचकर मेरे मन को बहुत संतोष होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि ठीक ही बात है, वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया लगी, फल लागे थी दूर, अब बड़ा होने से क्या हुआ जब मन ही पवित्र नहीं है, अच्छा ही नहीं है, आपने बहुत सारे समझौते करके आपने पैसे कमा लिए तो क्या कर लिए। और इस तरह हम अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हम अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या सच में समाज में हमें बेईमान मक्कार और धूर्त लोग आगे बढ़ते नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं, हमने बारहा ऐसा देखा है। पर यह भी सच है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हमें आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जो अपने प्रतिभा के बल पर ही आगे हैं। हम खेल की दुनिया में देख सकते हैं, हम संगीत की दुनिया में देख सकते हैं, हम कला की दुनिया में देख सकते हैं, हम ऐसे बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो अपने प्रतिभा के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। पर जब कभी ऐसा लगे तो क्या हम अपना ईमानदारी से मूल्यांकन कर सकते हैं? क्या हमने वाकई जीवन की उम्मीदों को पूरा किया? क्या हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था? क्या हमने ईमानदार कोशिश की? क्या हमने बहाने नहीं बनाए? क्या हम अपने प्रति ईमानदार रहे? क्या हमने वो साधन जुटाए जो हमें जुटाने चाहिए थे? क्या ईमानदारी से हमने प्रयास किए? अगर हम अपना मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पता चलेगा कि कमी हमारे अंदर ही कहीं है, और शायद उससे बचने के हम बहाने ढूंढ रहे हैं। पर हाँ, इस रंग बदलती दुनिया में जहाँ कुछ भी आदर्श नहीं है, जहाँ सभी चीज़ें रिलेटिव हैं, वहाँ आपको लगता है कि निराशा ने आपको घेर लिया है, तो अगर आपको लगता है कि आपके आदर्शवाद, आपके सिद्धांतवादी होने ने आपको नुकसान पहुँचाया है, तो आप अकेले नहीं हैं। महाकवि मुक्तिबोध को सुनिए, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, ये जीवन क्या जिया। और इसके बाद भी अगर लगता है कि वक्त नहीं बचा है, तो फिर हारे को हरि नाम, क्या कर सकते हैं। मेरी भी कई तरह की बेवकूफ़ियों को देखते हुए एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि थोड़ा कलयुगी बनो, पता नहीं इसका क्या मतलब था।